हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। हमेशा की तरह मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो आज मैं एक जियो F220 के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मैं आगे चल के आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि जियो के कोई भी मॉडल के डायग्राम्स नहीं हैं फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा। तो मैं इस जियो के फ़ोन्स को अब मैं हर एक सेक्शंस का एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो चार्जिंग हो, चाहे वो बैटरी कनेक्टर हो, चाहे वो BSI लाइन हो, चाहे वो डिस्प्ले ग्राफिक्स हो। तो इस सेक्शंस पे मैं सारे वीडियो बनाने वाला हूँ वन बाई वन। तो अभी मैंने ये स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत लेट, पर कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई होप जिनको वीडियो पता होगा तो वीडियो को स्किप कर दें, ये ना बोले कि वीडियो हमें पता है। पर हमेशा की तरह मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो हर एक डिटेल के साथ बनाता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको आप तो कर लेते हैं यूट्यूब से देख करके, सही वे में आपको नहीं मिलता है। पर मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, और आपको पूरी लाइन के बारे में, सप्लाईयों के नॉलेज के बारे में, सारे डीपली नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें किसी टेक्नीशियन भाई ने यहाँ पे ये काम किया हुआ है, जैसा देख सकते हैं, जैसा कि आपने यूट्यूब में देखा है। तो मैंने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं अलग दिखाता ही दिखाता हूँ। तो इन्होंने माइक का काम किया हुआ है, और ये माइक काम नहीं कर रहा है उनका। तो वो तो यूट्यूब से वीडियो देख करके इतना सारा प्रोसेस उन्होंने तो कर लिया था, फिर वो मेरे पास आया तो बोले सर ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं बताया कि चलो ठीक है, इसकी मैं सप्लाईयों के साथ प्रॉपर वीडियो में आपको दूंगा, और आपको ज़्यादातर सब कुछ प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, तो ये आप देख रहे हैं, पहले मैं इसका सोल्यूशन बता दूं। क्रिस्टल टू यूनिवर्सल माइक का जो इन्होंने सोल्यूशन किया है, अच्छे तरीके से किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको भी टच करके भी बताऊँगा। तो इसके मैं पहले आपको सप्लाईयों के बारे में नॉलेज दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि क्या क्या है, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन पर चलेंगे सारा चीज़। तो चलिए मैं इसके पहले सप्लाईयों के बारे में आपको नॉलेज दे देता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जिन्होंने किया है सोल्यूशन, आपने यूट्यूब पे भी देख करके वो सारी चीज़ आप देख करके यहाँ पे आपने किया हुआ है। तो ये जो चार टिप्स हैं, यहाँ पे क्रिस्टल माइक लगा हुआ था, पहले तो मैं ये बता दूँ, इसमें क्रिस्टल लगा हुआ था। क्रिस्टल से अब उन्होंने यूनिवर्सल किया, और उन्हें एक दो माइक भी चेंज किया होगा, तो काम नहीं हुआ है फ्रेंड। तो आपको मैं शुरू से बताता हूँ। तो ये क्रिस्टल टू यूनिवर्सल सोल्यूशन है, बाकी आप इसमें क्रिस्टल भी लगा सकते हो। तो क्रिस्टल उन्होंने लगाया होगा तो शायद काम नहीं किया होगा फ्रेंड। तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार टिप्स बने रहते हैं, दो ग्राउंड होते हैं, एक हमारी होती है VDD की लाइन, एक होती है हमारी डाटा। तो मैं आपको डीपली नॉलेज के साथ बताऊँगा, इंस्टीट्यूट लेवल में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट है, ये हमारी VDD की लाइन आती है, जिसमें रीडिंग प्लस वोल्टेज होता है, और इसमें जो हमारी है ये हमारी डाटा की सप्लाई होती है। तो डाटा और VDD, तो डाटा और VDD में उन्होंने क्या किया है, एक हाई वैल्यू का रजिस्टर लगाया हुआ है। 4K से 10K के बीच में आपको यहाँ पे डाटा और VDD के बीच में रजिस्टर लगाया है, जैसा कि उन्होंने एकदम सही किया हुआ है। और उसके बाद आपको डाटा की लाइन से, जैसा कि आप देख सकते हैं, डाटा की तरफ से आपको यहाँ पे माइक का प्लस लगाना है, और उसको ग्राउंड कहीं भी कर देना है। तो इतना प्रोसेस तो इन्होंने किया हुआ था फ्रेंड्स, फिर भी काम नहीं हुआ। अब इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। इतना करने के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या क्या चेक करना है, सारा चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपने मल्टीमीटर के थ्रू थोड़ी इसकी ट्रेसिंग बताऊँगा, और वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा, और इसका सोल्यूशन मैं लाइव ही करने वाला हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब मैं इसके बताना चाहूँगा कि ये काम क्यों नहीं किया। तो इसको बताने के लिए मैं मल्टीमीटर, देख सकते हैं मेरा साइड में यहाँ पे मल्टीमीटर रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर रखा हुआ है। अब मैं मल्टीमीटर से कुछ इसकी रीडिंग और वोल्टेजेस के बारे में नॉलेज देना चाहूँगा। तो जिसमें वोल्टेज आता है, हम इसमें कोल्ड टेस्टिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। तो कोल्ड टेस्टिंग के लिए मैं ग्राउंड पे रख लेता हूँ, मैंने ग्राउंड पे रख लिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इसका VDD वाला लाइन है, VDD वाले में देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो आप मल्टीमीटर में देखिए, मल्टीमीटर में टच करिए, तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने VDD पे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे VDD पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। देखिए मैंने VDD पे रखा हुआ है, और वहाँ पे अब मल्टीमीटर में दिखाइए, यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने तो किया सोल्यूशन ठीक है, पर अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर VDD में कोई रीडिंग ही नहीं आ रहा है, तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो चलिए इसके सोल्यूशन मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इनकी लाइन को मुझे बनाना पड़ेगा, लाइन हमारी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। तो चलिए इसके जस्ट पीछे ही फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके जस्ट पीछे ही मैं पहले सप्लाई के बारे में आपको नॉलेज दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको चेक करके भी दिखाऊंगा क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, मैं सारा चीज़ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो सप्लाई है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं एक पिक के थ्रू वहाँ पे भी समझा दूंगा आपको। तो यहाँ पे पिक के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश ये कर रहा था कि इसकी जो सप्लाई है यहाँ पे दो दो टिप्स है फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पे दो टिप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी भी रीज़न कारण यहाँ पे कॉम्प्लेन हट चुका है या वाटर डैमेज के कारण या किसी भी एनी रीज़न के कारण यहाँ पे एक कॉम्प्लेन लगा था, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हट चुका है। तो इधर भी देख सकते हैं हमारी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जब भी यहाँ पे आप काम करें, जो भी आप काम करें, तो ये हमारी जो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा था, क्योंकि यहाँ पे दोनों टिप्स पे वैल्यू आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अगर यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे तो काम आपका नहीं करेगा। आपको मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ, आपको यहाँ पे जम्पर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे दोनों टिप्स पे रीडिंग आ रही है, दिखाइए वहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर, मल्टीमीटर में आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करिए, तो जूम आउट करके आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम इन करिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में आपको दिखाऊंगा अभी, तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है फ्रेंड्स। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मल्टीमीटर थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो इसको हम फिर से करते हैं, चेक करते हैं। तो मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है और उसकी दूसरी टिप्स में हमारी रीडिंग आ रही है। तो सबसे पहला हम यही करते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा कॉम्प्लेंट यहाँ पे निकल गया था, थोड़ा सा जूम करिए, हाँ यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेंट निकल गया, तो उस कॉम्प्लेंट को हम करेंगे सॉर्ट, और सॉर्ट करने के बाद देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। और नहीं होता है फ्रेंड्स, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हमारा नहीं होता है तो हम उसको फिर से एक सोल्यूशन आपको और बताएंगे। पर यहीं पे आपका ये जो सप्लाई जा रही है हमारी VDD, और ये जो दूसरा कॉम्प्लेंट है यहाँ पे डाटा है, तो VDD और डाटा दोनों ही मिल गया है। डाटा की सप्लाई कैसे ट्रेस करते हैं वो सारा चीज़ भी आपको हम बता देंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम जंपर कर देते हैं, और जंपर करने के बाद हम फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं करता है, रीडिंग वहाँ पर आती है कि नहीं आती है, वोल्टेजेस हमारे आते हैं कि नहीं आते। मैं सारा वोल्टेज और रीडिंग के साथ यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड इसका सोल्यूशन हमने कर दिया है, जंपर लगा दिया है, वो जंपर भी मैं आपको दिखा दूंगा। जो रजिस्टर ओपन हो गया था, रजिस्टर को ओपन कर दिया है, फ़ोन भी हमने ऑन कर दिया है फ्रेंड्स। उसमें अब आपको हम वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे टच करूँगा, आप देखिएगा यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन हमारा चालू है, ये देख सकते हैं हमारा 1.8 वोल्टेज आ रहा है। और इसमें मैं रीडिंग भी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए मैं फ़ोन, और जैसे हमारा देख सकते हैं फ़ोन अभी हमारा ऑन है, और इसलिए हमारा ये 1.8 आ रहा था, यहाँ पे कॉलिंग चालू था फ्रेंड। उसके बाद मैं बैटरी को निकाल करके आपको इसकी रीडिंग भी फटाक से चेक करा देता हूं, और इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या मैंने क्या सोल्यूशन किया है यहाँ पे। तो ये कुछ आपको नया लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग भी आ चुकी है, जो कि कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी तो उसको हमने कर दिया है। तो आपको हम फटाक से खोल के दिखा देते हैं फ्रेंड्स कि हमने इसमें काम क्या किया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी आपको दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे काम क्या किया हुआ है। तो अभी मैं आपको जूम करूंगा, और जूम करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे एक जम्पर किया हुआ है फ्रेंड्स, वहीं पे जो हमारा रजिस्टर ओपन हो गया था, वो इस रजिस्टर को हमने यहाँ पे जम्पर कर दिया है। और यहाँ पे शायद दिख रहा होगा शायद आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक रजिस्टर था जो कि ओपन हो गया था, तो यहाँ पे हमने उसको जंपर कर दिया और हमारा सक्सेस हो गया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो में हर एक सेक्शंस के यहाँ पे लेकर के आऊँगा, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग का सारा, यहाँ पे एक एक कॉम्प्लेंट क्या होता है, सारा सेक्शन वाइज यहाँ पे मैं लेकर के आऊँगा। तो आई होप ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो सप्लाइयों का नॉलेज कैसा लगा। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।